शेड्यूल एट में फोर्टीन लैंग्वेज थी और प्रेजेंट टाइम में है ट्वेंटी टू लैंग्वेज तो यहाँ पर इन शेड्यूल इन लैंग्वेजेस के जो नेम है वो आपको ध्यान में होने चाहिए तो हम इंडिया का जो मैप है उसके थ्रू हम इसको समझते हैं कि पहले कौन कौन सी लैंग्वेज थी यहाँ पर देखिए सेकेंड हाँ इंडिया का ये मैप है और इसके थ्रू जो है वो हम समझ लेते हैं देखो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें आप सभी को पता है कि आसाम जो है वो सबसे बड़ा स्टेट है तो यहाँ पर आसामी जो लैंग्वेज है ओरिजिनली पहले फोर्टीन जो लैंग्वेज थी ना उनके नेम हम डिस्कस करेंगे मतलब ये आसामी लैंग्वेज फिर यहाँ पर आ गई बंगाली लैंग्वेज फिर ये आ गई ओडिया लैंग्वेज ओके और साउथ में हमारे चार स्टेट यहाँ पर जो है कर्नाटका में कन्नड़ यहाँ पर केरला में जो है वो मलयालम यहाँ पर तमिलनाडु में तमिल और यहाँ पर आंद्रा वाले रीजन में जो है वो तेलुगु यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में मराठी यहाँ पर जो है गुजराती देखो राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है लेकिन राजस्थानी जो है वो शेड्यूल एट में नहीं है लैंग्वेज ये आपको ध्यान में रखना है फिर हमारा ये प्लेन रीजन यहाँ पर हिंदी और हिंदी के साथ में संस्कृत ये लैंग्वेज जो है यहाँ पर बोली जाती है फिर यहाँ पर पंजाब है तो पंजाबी लैंग्वेज और यहाँ पर है कश्मीरी ओके okay, और इसके अलावा उर्दू लैंग्वेज तो ये फोर्टीन जो है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन ये फोरटीन लैंग्वेज जो है वो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई थी शेड्यूल एट में फिर फोर्टी ट्वेंटी टू लैंग्वेज हो गई तो कैसे कैसे जुड़ी तो सबसे पहले तो ट्वेंटी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सिक्सटी सेवन के थ्रू जो है वो सिंधी लैंग्वेज यहाँ पर जोड़ दी गई उसके बाद में जो है वो सेवेंटी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू जो है तीन लैंग्वेज यहां पर जोड़ी गई और उनका नाम आपको ध्यान में रखना है कोकड़ी मणिपुरी और नेपाली नेपाली जो है वो नेपाली यहां पर जो बोली जाती है उसको यहां पर रिकॉग्नाइज किया हमने मणिपुरी मणिपुरी वाले एरिया में और कोकड़ी जो है आप सभी को पता है कि कोंकण कोस्ट जो है वो यहाँ पर लोकेटेड है तो इस कोकण कोस्ट में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको रिकग्निशन दिया गया उसके बाद में नाइन्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू जो है फोर लैंग्वेज को बोला गया फोर लैंग्वेज को जोड़ा गया और ये जो फोर लैंग्वेज है इनका नाम अगर हम ध्यान करें तो देखो इनका क्रम जो है ना ऑर्डर जो है वो भी आपको ऐसे एजटीज याद होना चाहिए बोडो डोंगरी मैथिली और संथाली तो बोडो जो है वो आसाम के बोडोलैंड वाला एरिया जो है वहाँ पर बोली जाती है डोगरी जो है वो कश्मीर में जो डोगरी कम्युनिटी है उनके द्वारा बोली जाती है तो बोडो डोगरी मैथिली मैथिली जो है बिहार का जो मैथिली वाला जो रीजन है वहाँ पर बोली जाती है और संथाली जो है वो संथाली ट्राइब के संथाल ट्राइब के द्वारा प्रेजेंट टाइम में हमारी जो प्रे, प्रेजिडेंट जो है ना द्रौपदी मुर्मू जी वो भी संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं ओके तो ये सारी लैंग्वेज जो है इस तरीके से जोड़ी गई तो इनका जो ऑर्डर है वो आपको ध्यान में रखना है मतलब ये चार लैंग्वेज जोड़ी गई तो इनका क्रम जो है वो भी आपको ऐसे कैसे याद रखना है ओके तो ये हमने डिस्कस कर लिया शेड्यूल एट के बारे में